जब पता चलता है उनको कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदा कदा भाजपा के नेताओं की भी शामिल और उपस्थिति रहती है। तो बिहार में तो जिन लोगों ने धोखाधड़ी की वो भी पकड़े गए, उनके इकबालिया बयान भी आ गए। युवाओं को जल्द से जल्द दोबारा एग्जाम करा करके उनके अधिकार उन्हें वापस देने चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये देश का शिक्षा मंत्री दिन में ये कहते हैं कि किसी तरह का कोई स्कैम हुआ नहीं और शाम को सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पे संज्ञान ले लेती है। नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आज झारखंड के यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आज धरना पे बैठे हैं राजभवन के पास। और ये जो नीट पेपर परीक्षा लीक पेपर लीक मामला है उसको लेकर ये अब बड़ी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और इसको बड़ा रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं, कुमार राजा जी हैं हमारे साथ। ये नीट पेपर परीक्षा लीक है जो मामला, कैसे देखते हैं? देखिए, दो नीट की परीक्षा ली गई, एक अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट का, जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो अनियमितता है उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। और अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई है, क्योंकि परिवार साथ साथ लोगों के नाम है और बहुत 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो इन सारे बच्चों को लग रहा है कि उनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। और युवा कांग्रेस लगातार पूरे देश भर में आप देखेंगे कि युवाओं के मुद्दों को लेकर आक्रोशित है, आंदोलित है, जिसके कारण आप देखेंगे चुनाव का जो परिणाम आया, मुझे लगता है युवा कांग्रेस की बहुत खास भूमिका रही। वो सफल रहे युवा के नब्स को पकड़ने में, उनकी आवाज़ बनने में, उनकी लड़ाई लड़ने में, और इस चीज़ों को देश ने देखा। उसी कड़ी के तहत अगर आप देखिएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने, युवा कांग्रेस आज प्रदेश भर का प्रदर्शन रखा गया, प्रदेश अध्यक्ष हमारे युद्ध के बैठे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बैठे, राष्ट्रीय सचिव आए, और ये लड़ाई जब तक हम किसी ही मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करेगी। कॉलेजों में छात्रों के हित के लिए जो भी आप लड़ाई लड़ते हैं, क्या पूरे देश में इसको लेकर आगे जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार का केंद्र सरकार की रवैया रही है, जहाँ जहाँ प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, आप देखिएगा कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ। चाहे हरियाणा की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और लगातार लाखों छात्र परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा में बैठने के बाद जब पता चलता है उनको कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, और उस पर आप देखिएगा यदा कदा भाजपा के नेताओं की भी शामिल और उपस्थिति रहती है जो प्रश्न पत्र लीक होता है उसमें। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है कि भाजपा के नेता प्रश्न पत्र लीक में शामिल थे। तो ये भाजपा के लोगों को सोचने का ये है कि केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना जुबान खोलना चाहिए इन सब मुद्दों पे जो मौन बैठे हुए हैं। युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, कुमार गौरव जी हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि ये नीट पेपर परीक्षा लीक मामला कहाँ तक जाएगा। बात सीधे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर देश के मंत्री ये कहेंगे कि बहुत कम जगह पे ऐसा हुआ है और बहुत कम ऐसा देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई कि अगर 0.001% भी अनियमितता बरती गई है तो ये गंभीर मामला है। पर इस देश में एक लेट बैक एटीट्यूड हो गया कि अरे कोई नहीं, एक ही सेंटर पे लीक हुआ, ठीक है। देखिए, जब युवा एक एग्जाम देने जाता है तो युवाओं को ये पता रहता है कि इसके नंबरिंग कैसे होंगे, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, कहीं भी ग्रेस मार्क्स की बात नहीं कही गई। जो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई ग्रेस मार्क्स हमने एक सेंटर के लोगों को दिया इसलिए उनके मैक्सिमम मार्क्स आ गए, आपको नहीं पता कि कितने लोगों को इसमें, कितने लोगों की मिली भगत है और कितने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह किया गया। अगर आप इसे वृहद रूप से देखते हैं तो बिहार में तो जिन लोगों ने धोखाधड़ी की वो भी पकड़े गए, उनके इकबालिया बयान भी आ गए, और जो लाभार्थी हैं उन्होंने भी कबूल कर लिया, फिर भी एक ऐसा एटीट्यूड कि नहीं हम तो कैंसिल नहीं करेंगे, हम अपनी गलती नहीं मान। देखिए, गलतियां हो जाती हैं, और देश के युवाओं की जब बात हो, देश के भविष्य की जब बात हो, इस देश की जब बात हो, उस नीट परीक्षा से अगर एक ऐसा अभ्यर्थी आगे चले जाता है जो वहां जाने के लिए योग्य नहीं है, तो आप समझिए कि भविष्य में कितने लोगों के जान पे खतरा आ जाए। तो इसलिए
इन इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय में ऐसा ना हो उसे सुनिश्चित करना चाहिए। और अभी फिलहाल अविलंब इन सारी चीजों को, सिर्फ इसी एग्जाम को नहीं और जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हें भी एक अलग से चश्मे को लगा करके देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कहीं धांधली तो नहीं हुई, युवाओं के भविष्य के साथ खेला तो नहीं गया। और अगर वैसी कोई धांधली मिलती है तो उन परीक्षाओं को भी रद्द करके फिर से परीक्षाएं करानी चाहिए और अविलंब करानी चाहिए और उन परीक्षाओं में कट ऑफ डेट एज की और बाकी सारे वही रखने चाहिए जो पहले थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई फिर से परीक्षा कराने के लिए आप जो योग्य कुछ लोग हों जिनकी एज जा रही हो वो निकल जाए और ऐसे एग्जाम्स के लिए दोबारा से कोई एंट्रेंस फीस नहीं लेनी चाहिए। और जिन्हें नुकसान हुआ भाई आप समझिए, एक नीट की परीक्षा देने के लिए युवा अपने घर से निकलता है, 100-200, 300 किलोमीटर दूर जाता है आता है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके पैसे खर्च होते हैं, उनके माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, उन लोगों से उनको कंपनसेट करना चाहिए और आने वाले एग्जाम में आने जाने की व्यवस्था भी प्रदान करनी चाहिए। झारखंड सरकार में आप युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, जेएसएससी पेपर लीक मामला होता है, उसके बाद जेपीएससी में भी पेपर लीक मामला होता है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए हमने उसके लिए भी सरकार को लिख करके दिया था और उसमें भी हमने यही मांग की कि जो कट ऑफ डेट है वो जो मूल एग्जाम की कट ऑफ डेट थी वही रहनी चाहिए, युवाओं को कंपनसेट करना चाहिए और युवाओं को जल्द से जल्द दोबारा एग्जाम करा करके उनके अधिकार उन्हें वापस देने चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। युवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इन प्रश्नों को उठाते रहूं और मैं उठाते रहूंगा। हमने राज्य सरकार को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई आप जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करें और तुरंत एग्जाम करवाएं और उस एग्जाम में भी फिर से आप एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म ना भराएं, लोगों से क्या कहते हैं फिर से फीस वीस ना ले और जैसे मूल मूल स्वरूप में एग्जाम हुआ था उसी स्वरूप में वापस एग्जाम करवा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभिजीत जी हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस धरने की रूपरेखा क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए लगातार जिला के अंदर में हम लोग विरोध करा रहे थे, आज राजभवन के समक्ष इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि युवाओं को यहाँ के छात्रों को न्याय मिले। और दुर्भाग्य की बात है कि देश का शिक्षा मंत्री दिन में ये कहते हैं कि किसी तरह का कोई स्कैम हुआ नहीं और शाम को सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पे संज्ञान ले लेती है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका और सरकार विपरीत दिशा में चल रही है और सरकार के ऊपर इस देश का लोग कहीं ना कहीं संदेह के साथ देखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का नियत कभी रहा ही नहीं कि देश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, देश के नौजवानों को मजबूत शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए 30-35-40-40 लाख रुपया का लूट मचा करके काबिल नौजवानों को रोकने का प्रयास नीट के एग्जाम के माध्यम से किया गया, जिसकी घोर निंदा प्रदेश युवा कांग्रेस करती है। और इसके साथ ही पार्लियामेंट का घेराव भी 27 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। अगर ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार नहीं मानती है तो आपके चैनल के माध्यम से हम देश के नौजवानों को अपील करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में बल दीजिए, सड़क पे आपको उतरना होगा, आप निश्चित तौर से उतरे और ताकत के साथ उतरिए ताकि इस सरकार को आईना हम दिखा सके। अब मैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हजारीबाग के जिला अध्यक्ष प्रकाश यादव से आग्रह करता हूँ, देश भर में आंदोलन करने को तैयार है और संसद भवन का घेराव करने की भी बात कर रहे हैं 27 जून को, ये अब आगे की रणनीति बनाए हैं कि दिल्ली पहुंचेंगे और इस परीक्षा पेपर लीक मामले के दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्शन राठी।